नमस्कार, जी टीवी में आपका स्वागत है। उमरिया जिले के स्थानीय स्टेडियम ग्राउंड में बैगा आदिवासी जनजाति के लोग बड़ी संख्या में अपने नेता सतीश लाल बैगा के नेतृत्व में एकत्रित होकर स्टेडियम ग्राउंड से रैली निकालकर शहर के मुख्यालय मुख्य रोड से मार्ग से जाते हुए कलेक्टर सभागार में पहुंचे, जहां उन्होंने 6 सूत्री अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वही उमरिया जिले के बैगा जाति के जिला अध्यक्ष सती लाल बैगा का कहना है कि 70 साल गुजर जाने के बावजूद भी आज बैगा जाति के लोग दर दर की ठोकरे खाते और पिछड़े वर्ग में जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं इनको भी बीपीएल के कार्ड धारक के अंतर्गत इनको नौकरी और रोजगार दिया जाता था। 3000 लोगों को नौकरी की मांग की है तथा इन्होंने अपने वही बैगा जाति के बीपीएल में जोड़े जाने वाले 105 बैगाओं को जहां सन 1906, 8 और 9 में नौकरी से निकाल दिया गया था, उन्हीं सारे लोगों को नौकरी में बहाल किए जाने की मांग की तथा तत्काल इनकी मांग पूरी न किए जाने पर इन्होंने विशाल बैगा जाति की रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपेंगे और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बैठ जाएंगे। वहीं आने वाले विधानसभा पर भी उन्होंने अपने मतदान का भी बहिष्कार कर। उमरिया जिले से हमारे संवाददाता शंकर सिंह चंदेल की खास लड़ेंगे। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है और अब मनमानी नहीं चलेगी। हमने भी अपने मन में ठान लिए हैं और हाथी हो या चाहे शेर जबर हो, लेकिन किसी का जोर जबर नहीं चलेगा, क्योंकि हम हर परेशानियां झेल चुके हैं। आज 65-70 साल देश को आज़ाद हुए हैं। आज हमारे दादा परदादा लोग किस कदर झेल करके इस मतलब आज़ादी देश में हम लोगों को जन्म दे करके आज हम खुद दादी बन गए हैं। लेकिन आज हमारे बच्चे इतने पढ़े लिखे लोग हैं, हर समाज के लिए नौकरी है, हर समाज के लिए हर जगह है, लेकिन आज बैगा समाज के लिए कोई। आज उमरिया जिले के बैगा समाज के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन दिया है अपनी विभिन्न मांगों को लेकर, जिसमें उनकी जो मुख्य मांगे हैं वो शासन सभी शासकीय विभागों में बैगा परिवार को सरकारी नौकरी दिए जाने के संबंध में है। पहले जो लोगों को 2006-07 में 8-10 में निकाल दिया गया था, उनकी फिर से भर्ती करने के लिए है। पीला राशन कार्ड के संबंध में है कि वो उसके संबंध में उनको राशन उपलब्ध किया जाए उसी के आधार पर। और बैगा परिवार की जो महिला मुखिया हैं उनका 100 रुपये प्रति दिन के हिसाब से 3000 रुपये जो है मासिक जो सहायता राशि दी जाती है वो दिए जाने के लिए उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को लिखा है। सरकार हो आज तक कभी भी कोई बैगा परिवार को सरकार ने बोला कि गोद ले लिया है। मैं सरकार से भी पूछना चाहता हूँ कि किस टाइप का गोद लिए हैं जो आज तक विकास न हुआ बैगाओं का। इसीलिए आज पूरे बैगा परिवार के 20,000 लोग गोद में निकल आए हैं। अपनी मांग को पूरी करवाने के लिए बैगा अपनी मांग लेके आया है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि बैगा परिवार को ध्यान आकर्षित कराकर सर्वे कराकर जो मांग हम मांगने जा रहे हैं उस पे एकदम अमल करें, अन्यथा 2018 बैगा परिवार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगा। 1,00,000 लोग इस उमरिया जिले में रैली करेंगे, वो 1,00,000। तो मैं आपकी बात का खंडन करता हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी को लीड करता हूं। सबसे पहले चीज़ कि मैं उमरिया जिले का सामाजिक प्राणी हूं और ये बैगा समाज शासन के द्वारा ये माना जाता है कि बैगा समाज विलुप्त होती हुई प्राणी है और बैगा समाज का उत्थान करना चाहिए। बैगा अभिकरण में करोड़ों रुपए उमरिया जिले में आते हैं, यहाँ के अधिकारी इसको खा जाते हैं और बैगा परिवार को उसका किसी चीज़ का कोई लाभ नहीं दिया जाता। आज बैगा समाज की जो प्रमुख मांग है उनकी ये है कि बैगा समाज के 3000 परिवारों को प्रत्येक आश्रितों को नौकरी दी जाए, उनका पीला राशन कार्ड है उनको गरीबी रेखा में तब्दील किया जाए, बैगा परिवार को 50 किलो अनाज पर मंथ दिया जाए और बैगा समाज की जो महिलाओं को 1000 रुपये जो शासन लॉलीपॉप दी है, 1000 रुपये में उन परिवारों का पालन पोषण नहीं होता, उसे 3000 किया जाए। इस प्रकार की मांगे बैगा समाज की हैं और जिस समाज की मांग समाज के उत्थान के लिए आएगी, चाहे मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, चाहे बहुजन समाज में हूँ, चाहे भाजपा में हूँ, मैं समाज का साथ दूंगा। इसलिए मैं बैगा समाज के साथ खड़ा हूँ कि बैगा समाज का उत्थान उमरिया जिले में होना